हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उपनीत अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा प्रतिदिन मंत्रों के उच्चारण के साथ 100,000 आहुतियाँ देता था। ये सिलसिला लगभग 18 वर्षों तक जारी रहा। एक दिन उनके इस यज्ञ और तप से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्हें संतान के रूप में एक रूपवान, गुणवान और तेजस्वी कन्या होने का वरदान दिया। सावित्री देवी के इस वरदान से राजा को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी ही रूपवान थी। महल के आंगन में खेलते खेलते कब वो बड़ी हो गई, राजा को इसका पता ही नहीं चला। सावित्री की शादी की उम्र होने पर राजा को बहुत चिंता सताने लगी। राजा को अपनी रूपवान कन्या के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री से खुद अपने वर तलाशने के लिए कहा। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री ने खुद ही अपने लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। एक दिन सावित्री तपोवन में जा पहुंची, जहां उसने सत्यवान नाम के सुंदर युवक को देखा। सत्यवान एक राजकुमार था जो साल्व देश के राजा धूमत्सेन का इकलौता पुत्र था। जब सावित्री ने उसके जंगल में रहने की वजह पूछी तो सत्यवान के पिता राजा धूमत्सेन ने बताया कि वे अंधे हो गए हैं और इसी वजह से उनका राज छीन लिया गया है। अब वह अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहते हैं। सावित्री ने राजकुमार सत्यवान और उसके पिता राजा धूमत्सेन के बारे में अपने पिता को बताया और इच्छा जाहिर की कि वो राजकुमार सत्यवान से शादी करना चाहती हैं। राजा अश्वपति बेटी के लिए वचन को पूरा करने के लिए तपोवन जंगल गए। वहां पहुंचकर राजा ने धूमत्सेन से मुलाकात की और उन्हें अपने पुत्र सत्यवान के लिए अपनी बेटी सावित्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा अश्वपति की बात सुनकर राजा धूमत्सेन ने बड़े ही निराश मन से कहा, हे राजन, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मेरा पुत्र सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी है, लेकिन ऋषि राज नारद ने मुझे बताया है कि यह अल्प आयु का है, जिसे अगले वर्ष अमावस्या के दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे और आपकी पुत्री से विनती करता हूं कि आप किसी और युवक से अपनी की पुत्री की शादी करवाएं। राजा धूमत्सेन की बात सुनकर राजा अश्वपति और उसकी बेटी सावित्री काफ़ी निराश हुई, लेकिन सावित्री ने कहा कि एक आर्य समाज की स्त्री होने के नाते वो अपने मन में सिर्फ एक ही युवक को पति के रूप में देख सकती है। राजकुमार सत्यवान के अलावा अब वो किसी अन्य युवक से विवाह नहीं कर सकती है। सावित्री की जिद के सामने राजा अश्वपति और धूमत्सेन को झुकना पड़ा। अगले ही दिन राजकुमारी सावित्री और राजकुमार सत्यवान का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया गया। सावित्री रूपवान तो थी, लेकिन वह सर्वगुण संपन्न भी थी। ससुराल पहुंचते ही वह तन मन से अपने पति सत्यवान और सास ससुर की सेवा करने लगी। देखते ही देखते एक वर्ष निकल गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया। जैसे जैसे दिन कट रहे थे, सावित्री का मन उदास रहने लगा। उन्होंने नारद से पूछा कि क्या वो अपने पति की उम्र बढ़ा नहीं सकती हैं। तो इस पर नारद ने उन्हें अमावस्या के दिन 3 दिन पहले देवी सावित्री का उपवास करने और वट के पेड़ की पूजा करने का निर्देश दिया। नारद ने बताया अनुसार सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु वाले दिन यानी अमावस्या से 3 दिन पहले देवी सावित्री के नाम का उपवास किया और वट के पेड़ की पूजा की, साथ ही अपने पितरों का भी पूजन किया। देखते देखते ये 3 दिन भी निकल गए और अमावस्या यानी सत्यवान की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया। हर रोज की तरह अमावस्या के दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ गई। लकड़ी काटते समय
सत्यमान ने सावित्री को बताया कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। सत्यमान की यह बात सुनते ही सावित्री समझ गई यही उसके पति के जीवन के आखिरी पल हैं। वह जमीन पर एक वट के पेड़ के नीचे बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। अगले कुछ ही क्षण में सावित्री के सामने यमराज खड़े थे और वे सत्यवान के प्राण को अपने साथ लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पहले तो सावित्री को बहुत मनाया कि वो जो भी कर रहे हैं वो पहले से ही लिखा गया है, वो बस अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं सुनी और वह उसके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस निष्ठा और पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आँखों की रोशनी वापस करने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब घर जाओ, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहेंगे। ऐसा कहने के बाद यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने यमराज से कहा कि वह बस अपने कर्तव्य और पत्नी व्रत का पालन कर रही है, इसलिए जहां उसके पति जाएंगे वह उनके पीछे पीछे ही चलेगी। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज फिर से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर धूमत्सेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन किसी ने उनके राज्य को छीन लिया है, कृपया करके आप उन्हें उनका राज वापस मिलने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी पूरा कर कह दिया कि जाओ अपने ससुर के राज्य में जाओ, अब वे जंगल में नहीं अपने महल में सोते हैं। यमराज ने इतना कहा फिर से सत्यवान के प्राण को लेकर आगे बढ़ चले, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज यह देखकर काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने सावित्री से इसकी वजह पूछी तो सावित्री ने बताया कि पत्नी का फर्ज है कि वो वहीं रहेगी जहां उसका पति रहेगा। अगर उसे ससुर के महल में उसके लिए उसके पति नहीं होंगे तो उसके महल में उसके जाने का कोई अर्थ नहीं होगा। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम सिर्फ रूपवान और गुणवान हो नहीं बल्कि एक पतिव्रता भी हो, मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों से काफ़ी प्रसन्न हूँ, तुम मुझे तीसरा वरदान भी मांग सकती हो। यमराज की इस बात को सुनते ही सावित्री ने कहा, हे यमराज, आप मुझे 100 संतानों की माँ बनने का वरदान दे दीजिए। सावित्री के इस वरदान को सुनते ही यमराज ने कहा, हे पुत्री, अब घर जाओ, मैं तुम्हारे इस तीसरे वरदान को भी पूरा करता हूँ, अब तुम 100 साहसी और पराक्रमी संतानों को जन्म दोगी। यमराज ने इस वरदान को सुनते ही सावित्री ने कहा, हे यमराज, मैं एक हिंदू नारी हूँ और कार्य आर्य कुल की जन्मी हूँ, इसलिए मेरे जीवन में सिर्फ एक ही पति होंगे और वो सत्यवान है, इसलिए आपको अपने वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को फिर से जीवित करना होगा। सावित्री की इस बात सुनकर यमराज और भी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ने का वरदान दिया और सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अब वापस उसी वट के पेड़ के नीचे जाओ जहाँ पर तुम्हारे पति का शरीर पड़ा है, मैंने सत्यवान के प्राण को छोड़ दिया है और तुम दोनों को 100 संतानों के साथ ही अखंड सौभाग्यशाली होने का वरदान भी देता हूँ। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री ने उनसे विदा ली और वापस उस वट के पेड़ के नीचे पहुँची जहाँ उसके पति का शरीर पड़ा था। अब वह सत्यवान के करीब पहुँची तो उसने देखा उसका पति वापस से जिंदा हो गया है। दोनों जल्दी जल्दी जंगल के बाहर निकले और राजा धूमत्सेन के साल्व देश पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सावित्री ने देखा कि अब उनके ससुर को उनका राज्य फिर से मिल गया है और उनकी आँखें की रोशनी भी वापस आ गई है। तभी से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के वट सावित्री व्रत को मनाया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से
वट के पेड़ की पूजा अर्चना की।